राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मॉनसून ने पिछले महीने 30 जून को एंट्री की थी, लेकिन उसके बाद से मानो मॉनसून रूठ सा गया। मौसम विभाग भी बारिश को लेकर सटीक भविष्यवाणी करने में संघर्ष कर रहा है। एक्सपर्ट्स ने ये स्वीकार किया है कि सटीक पूर्वानुमान करना एक जटिल प्रक्रिया है। वहीं राजधानी दिल्ली में बारिश नहीं होने के पीछे पाकिस्तान का एक कनेक्शन भी सामने आया है, आपको वो भी बताएंगे। दिल्ली के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला ने पिछले 10 दिनों में सिर्फ 2.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है, जो कि काफी कम है। 1 जून से मॉनसून का मौसम शुरू होने के बाद से 126.7 मिलीमीटर के सामान्य के मुकाबले 144.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। 30 जून और 1 जुलाई को मौसम की पहली बारिश के बाद IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। 1 जुलाई को शहर में मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई थी। इसके अलावा अगले 6 दिनों के लिए हल्की बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। इसके बाद अगले 3 दिन यानी 1 जुलाई से 3 जुलाई तक सिर्फ 2 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं मौसम कार्यालय ने 4 जुलाई से 5 जुलाई के लिए येलो अलर्ट और 6 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिससे बाद में 7 जुलाई कर दिया गया। लेकिन इस दौरान दिल्ली में बारिश का इंतजार होता रहा। एक्सपर्ट्स ने बारिश न होने के पीछे मॉनसून ट्रफ के मध्य भारत की ओर बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया, जो ओडिशा पर एक कम दबाव क्षेत्र बनने के कारण बाद में गुजरात की ओर था। स्काईमेट वेदर के अनुसार कम दबाव के क्षेत्र ने ट्रफ रेखा को मध्य भारत की ओर खींचा, जिससे वहां भारी बारिश हुई। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक IMD ने बाद में 9 जुलाई और 10 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधि की भविष्यवाणी की और रविवार को राजधानी में मध्यम बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद ये की जा रही थी कि कम दबाव का क्षेत्र कम होने के बाद मॉनसून ट्रफ का पश्चिमी छोर फिर से उत्तर की ओर बढ़ जाएगा। हालांकि पिछले 24 घंटों में दक्षिण पश्चिम राजस्थान और दक्षिण पाकिस्तान के आसपास के हिस्सों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने ऐसा नहीं होने दिया। मॉनसून ट्रफ अब भी दिल्ली के दक्षिण में अटका हुआ है और बीकानेर और कोटा से होकर गुजर रहा है। दिल्ली में सोमवार और मंगलवार को भी बारिश के आसार नहीं है। 13 और 14 जुलाई को दिल्ली में बारिश हो सकती है, क्योंकि कम दबाव के क्षेत्र को गुजरात को पार करने और मॉनसून की ट्रफ उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा दिल्ली की बारिश के बारे में IMD द्वारा बार बार होने वाले पूर्वानुमान के बारे में जब पूछा गया सवाल, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव माधवन नायर राजीवन ने तब कहा कि एक बार तो ठीक है, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि येलो, रेड, ऑरेंज ये तमाम अलर्ट तब जारी किए जाते हैं जब आप वास्तव में किसी चीज के बारे में आश्वस्त होते हैं, श्योर होते हैं, जो लोगों को प्रभावित करने वाली है। आधुनिक तकनीक के चलते अलर्ट जारी करने से पहले आपके पास अच्छे इनपुट होते हैं। हमने समय के साथ बहुत सुधार किया है। कम से कम 2 या 3 दिन पहले एक अच्छा पूर्वानुमान लगाने में सक्षम हमें होना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।